तो चलिए फोर्थ एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें, अ फिजिकल क्वांटिटी एस बार इज डिफाइंड एज ई बार क्रॉस बी बार अपॉन म्यू नॉट। ई बार इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बी बार इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, द डायमेंशन ऑफ एस बार इज सेम एज। ओके, तो ई बार क्रॉस बी बार अपॉन म्यू नॉट, तो ये बहुत आसान है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है न्यूटन पर कूलम, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है टेस्ला। सपोज मान लो कि म्यू नॉट आपको नहीं पता, तो आप म्यू नॉट कोई भी फॉर्मूले में तो आप डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो होता है म्यू नॉट आर अपॉन टू पाई आर। तो हमें अगर म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो ये टेस्ला हो गया, करंट का एम्पियर हो गया और नीचे डिस्टेंस का मीटर हो गया। तो परमेबिलिटी का यूनिट क्या आ जाता है, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, टेस्ला टेस्ला कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू एम्पियर अपॉन मीटर। ओके, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किसके किसके डायमेंशंस के साथ ये मैच कर रहा है। तो एम्पियर को भी हम कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं, जो कि यहाँ कूलम है, तो हम इसे कूलम पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया, न्यूटन पर मीटर इंटू सेकेंड, न्यूटन अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। अब अगर हम एक एक ऑप्शन यहाँ चेक करते हैं, जैसे एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, करंट का होता है एम्पियर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मीटर नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि कूलम और एम्पियर दोनों में मीटर नहीं होता है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का है मीटर और टाइम का है सेकेंड, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी न्यूटन मीटर और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये मैच नहीं कर रहा है। पावर अपॉन एरिया, तो पावर जो होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम और नीचे एरिया दिया है, तो डेफिनेटली एनर्जी का यूनिट जूल यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, टाइम का सेकेंड और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये कट गया। तो ये आया न्यूटन अपॉन सेकेंड इंटू मीटर, जो कि डेफिनेटली मैच कर रहा है। तो बी और डी का जो यूनिट है या डायमेंशन है वो फोर के साथ, वो एस बार के साथ मैच करता है। तो करेक्ट आंसर बी डी है। थैंक यू।